नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं ज़ीनॉन के कंपाउंड्स और ग्रुप 18 एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स जिनको मतलब डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग आती है क्लैथरेट कंपाउंड्स। क्लैथरेट कंपाउंड्स या इनको और बोला जाता है केज कंपाउंड्स। केज कंपाउंड्स क्यों बोला जाता है, तो इसमें एक अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल ज़ीनॉन का। ज़ीनॉन की जो गैसेस कहते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो जो वाटर जो क्रिस्टलाइज होता है, जब वाटर क्रिस्टलाइज होता है आइस में, ठीक है, तो वाटर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं और ज़ीनॉन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ज़ीनॉन गैस है, वो उसमें जाके ट्रैप हो जाती है। मतलब वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप हो जाती है और इन ट्रैप्ड कंपाउंड्स को बोला जाता है क्लैथरेट कंपाउंड्स। तो अपने को ज्यादा नहीं जाना है, बस ये पता करना है कि कोई भी एक क्रिस्टल है उसके अंदर अगर छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है वहां पे, तो उसमें इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं और क्लैथरेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड है ज़ीनॉन का वाटर क्रिस्टल में। ओके, देन अपन स्टार्ट करते हैं ज़ीनॉन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स। तो ज़ीनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ तीन तरह के कंपाउंड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। अब इनका जो फॉर्मेशन है तीनों टाइप के कंपाउंड्स का, वो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे ज़ीनॉन और फ्लोरीन की ही हो रही है, बट कंडीशन क्या है उस हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट थिंग में क्या होता है कि ज़ीनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन जब करवाई जाए और वहां पे टेम्परेचर रखा जाए 673 केल्विन और प्रेशर रखा जाए 1 bar। ठीक है, और इस रिएक्शन में ज़ीनॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिया जाए तब बनता है अपने ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड XeF2। ठीक है, बाद में जब आप बात करते हैं ज़ीनॉन की फ्लोरीन के साथ, ठीक है, सेम तरह की रिएक्शन है, बट यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो रेशियो लिया गया वो लिया गया 1:5। मतलब अगर एक एटम ज़ीनॉन का है तो एक मॉलिक्यूल ज़ीनॉन का है तो 5 फ्लोरीन के, है ना, यह एक एटम ज़ीनॉन का है तो 5 फ्लोरीन के। देन उसके साथ रिएक्शन होती है 873 केल्विन और 7 bar प्रेशर पे, तो यहाँ पे बनता है ज़ीनॉन का टेट्राफ्लोराइड। ओके, उसके बाद लिया जाता है ज़ीनॉन और फ्लोरीन और उसको लिया जाता है 1:20 के रेशियो में, 1:20 रेशियो रखा जाता है। तो जब ये रेशियो रखा जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे 573 केल्विन और प्रेशर रखा जाता है 60-70 bar, ठीक है, तब जाके अपने को ज़ीनॉन का हेक्साफ्लोराइड मिलता है। मतलब तीनों ही ज़ीनॉन के फ्लोराइड हैं, तीनों ही बनते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, पर तीनों ही टाइम यहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफिक रखी जाती हैं और अलग अलग रखी जाती है। उसके अलावा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड को बनाने का एक और तरीका भी है। इसमें ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन जब O2F2 के साथ करवाई जाती है, ठीक है, तब यहाँ पे ज़ीनॉन F6 हेक्साफ्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज की, ठीक है, इन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इन कंपाउंड्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो तो होती है कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। उसके अलावा जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इनकी एक वाटर के साथ रिएक्शन है जिसमें जैसे 2XeF2 प्लस 2S2O gives 2 xenon plus 4HF plus O2। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोलिसिस की और ज़ीनॉन F2 जो है वो वापस से ज़ीनॉन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है इनकी, एक रिएक्शन है कि अगर इनकी रिएक्शन फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ करवाई जाती है और फ्लोरीन डोनर के साथ करवाई जाती है, फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ करवाई जाती है और एक कह सकते हैं मेटल्स के साथ करवाई जाती है, मेटल्स फ्लोराइड्स के साथ, तब इनका क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, अब पहले अपन रिएक्शन देख रहे हैं इसकी, जैसे ज़ीनॉन F2 प्लस इसकी रिएक्शन करवाई जाती है PF5 के साथ। तो यहाँ पे PF5 एक फ्लोरीन एक्सेप्टर की तरह काम करता है और ये यहाँ पे फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे दो तरह के आयंस बनते हैं,
एक बनता है जिनोन का F और Ap6-. तो यहाँ पे ये कंपाउंड्स कैटायन बनाने का काम करते हैं अगर इनकी रिएक्शन फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ करवाई जाती है। ठीक है, ऐसा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, XeF4 की रिएक्शन अगर आप SbF5 के साथ करवाते हैं तो बनता है XeF3 और ये पॉजिटिव चार्ज एंड SbF6 और नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे एक्सेप्टर की फॉर्म में काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये डोनर की फॉर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटायनिक स्पीसीज बनती है इन कंपाउंड्स की। उसके बाद बात आती है कि अगर इनकी रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है, मेटल फ्लोराइड कैसे, कि जैसे XeF6 है और XeF6 की रिएक्शन जब मेटल फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है, मेटल प्लस और XeF7। मतलब इस केस में ये जो कंपाउंड्स हैं वो फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, एफ माइनस को एक्सेप्ट करते हैं और आयंस बनाते हैं। ठीक है, फ्लोरो एनायंस बोला जाता है जिनको। तो इन दोनों केसेस में तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और खुद डोनेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ के केस में क्या हो रहा है कि ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल फ्लोराइड के साथ और यहाँ पे ये फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं और फ्लोरो एनायंस बनाते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है, वो रह जाता है इनकी स्ट्रक्चर्स, XeF2, XeF4 और XeF6 की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अपन यहाँ पे अब इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर को बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी द्वारा किया जाता है। तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों की स्ट्रक्चर लिखेंगे और इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे और ज्योमेट्री भी पता करेंगे। जैसे XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसका 2/8 Fe3। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे लॉन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर में रिपल्शन कम होने के चांसेस होते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर में रिपल्शन कम होता है और एक्सिल पोजीशन पे फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो शेप होती है, शेप को बोला जाता है लीनियर। XeF2 आपके जो है वो लीनियर शेप शो करता है। अगर इसकी ज्योमेट्री पूछ ली जाए कि ज्योमेट्री क्या होती है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि ज्योमेट्री में लॉन पेयर्स को भी शामिल किया जाता है। जबकि इसकी शेप पूछी जाती है तो शेप लीनियर होती है, शेप में लॉन पेयर को शामिल नहीं किया जाता, ओनली बॉन्ड पेयर को शामिल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन XeF4 की। ठीक है, तो XeF4 की जिस टाइम बात करेंगे तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपके sp3d2। ठीक है, sp3d2। तो अकॉर्डिंग टू sp3d2 ज्योमेट्री होनी चाहिए क्या, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो बनाते हैं अपन XeF। जब आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं तो यहां पर लॉन पेयर को जितना पॉसिबली हो सके अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है। जैसे अगर अपने पास दो लॉन पेयर हैं यहाँ पे, तो दोनों लॉन पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में रखने की कोशिश की जाती है ताकि रिपल्शन कम से कम प्रेजेंट हो। तो अब यहां पे इसकी जो शेप लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि ये लॉन पेयर कभी भी काउंट नहीं किए जाते हैं शेप में, जबकि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ओके, देन अपन बात करते हैं लास्ट XeF6 की। XeF6 जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d3। ठीक है, sp3d3। तो अकॉर्डिंग टू इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए वो एक पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट जब इसको बनाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिनोन के ऊपर एक आ जाता है लॉन पेयर और बाकी इसके 6 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं।
इस जो शेप है इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपने अपने को पूछ लिया कि XEF6 जो है, XEF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी शेप क्या होती है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो अपन यहाँ पे तीनों ही चीज देख चुके हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसको कहते हैं अपन मतलब शेप इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन होती है। इसकी अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री होनी चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये अपने ज़िनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे अब ज़िनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में, ज़िनोन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ज़िनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो है वो ज़िनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स से ही बनाए जाते हैं, जिसमें ज़िनोन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब एक बात यह है कि ज़िनोन और ऑक्सीजन में बॉन्ड क्यों प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो नहीं होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम होती है ना। तो बात करते हैं फर्स्ट हाइड्रोलिसिस। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है XEF4 का, तब अपने को यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है ज़िनोन का ऑक्सीजन के साथ XeO3। ठीक है, तो ये XeO3 को बनाने का एक मेथड है। सेकेंड, अगर आप XeF6 का हाइड्रोलिसिस करते हो तब अपने को XeO3 एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये XeO3 को बनाने की दो मेथड है। उसके अलावा जब इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब कंप्लीट अमाउंट में नहीं, वाटर को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रखा जाता है। अब ये बात एक और आती है कि इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो ट्रैश ऑफ दी वाटर के साथ भी हो जाता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में अगर वाटर प्रेजेंट है तो भी उनके साथ रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑलमोस्टली लेस स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। तो ये थोड़ा सा भी अगर पानी प्रेजेंट है वहां पे आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट है तो भी ये रिएक्ट कर लेते हैं। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट बनते हैं XeOF4 और प्रोडक्ट बनता है XeO2F2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अपने पास कितने प्रोडक्ट हैं, तीन, XeO3, XeO4 और XeO2F2। ठीक है, अब तीनों ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो ये एक एक्सप्लोजिव होता है, सॉलिड एक्सप्लोजिव होता है, और ये अपना कलरलेस कंपाउंड होता है, और XeO2F2 की तो अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो अपन यहाँ पे अब इन तीनों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों में क्या होगा। ठीक है, तो इनका ये सिर्फ प्रिपरेशन मेथड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़िनोन के जो कंपाउंड्स हैं इनके बारे में अभी तक ज्यादा नॉन नहीं है। ठीक है, ज्यादा प्रॉपर्टीज अपन इसके बारे में नहीं जानते, इनको बस डिस्कवर किया गया है, ये भी बड़ी बात है। हालांकि अभी की जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं वो तो बहुत ज्यादा बताती हैं, बट अपने सिलेबस में इतना ही है ना, सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है। तो अपन अब क्या करते हैं, इन तीनों की स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, देन अपन यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ नोबल गैसेज इन डेली लाइफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तब अपन इन तीनों की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है अपने पास XeO3। XeO3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, बट इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे ज़िनोन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, इस कारण इसकी ज्योमेट्री हो जाती है, सॉरी इसकी शेप हो जाती है ट्राइएगोनल पिरामिडल है ना, ट्राइएगोनल पिरामिडल, मतलब ये एक पिरामिड बनता है यहाँ पे त्रिकोण में, और ऊपर की ओर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है जिससे रिपल्शन कम से कम प्रेजेंट हो। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे XeOF4 की। XeOF4 में अपने को फर्स्ट थिंग जो है वो कैलकुलेट करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देन उनको ऐड कर दिया जाता है 42। उसके बाद अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो इसमें 8 का डिवाइड किया जाता है, तो यहां पे आ जाते हैं 5,
और पीछे बचता जो रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर कितना बचा है दो, तो जो भी रिमाइंडर बचा है उसके साथ दो का डिवाइड कर दिया जाता है, तो अपने को क्या मिलता है वन, मतलब फाइव प्लस वन सिक्स, तब सिक्स के हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है sp3d2, मतलब दो d ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, टोटल हो गए सिक्स, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। अब बात ये आती है sp3d2 में, यहाँ पे जो ये एक अलग से है, इसका मतलब इसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, तो लॉन पेयर जो प्रेजेंट होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, पर जब इसकी शेप देखी जाती है तो इसकी शेप में ये लॉन पेयर काउंट नहीं होता, इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप बोला जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट XeO2F2, ठीक है, XeO2F2, इसमें भी अपन इसका एक बार हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 + 2 × 6 + 2 × 7, ये हो जाएगा 14, 14 और 12, 24 एंड 26 एंड 8, 26 एंड 8, 4, 34, है ना, 34 हो जाएगा, 34 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 4, पीछे बचा रिमाइंडर 2, जिसमें 2 का डिवाइड किया तो ये आ गया sp3d, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है। sp3d के अनुसार इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल होनी चाहिए, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री अपने को यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अलग से आता है ये हमेशा लॉन पेयर का नंबर शो करता है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में एक लॉन पेयर है, तो उस लॉन पेयर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो अपन देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, टीबीपी में लॉन पेयर जो है वो हमेशा आप जब भी बनाएंगे वो लॉन पेयर आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाना है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे सबसे कम अमाउंट में रिपल्शन प्रेजेंट रहेगा, और ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है जो ये शेप है, इसको बोला जाता है सी शॉ शेप, ठीक है, सी शॉ एक अपने झूला होता है, तो झूले के हिसाब से इसकी शेप होती है, इसलिए इसको सी शॉ शेप बोला जाता है। तो ये अपने इन सभी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक आता है वो आता है यूजेस, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस इन डेली लाइफ, और यूजेस से कभी कभी कोई छोटा सा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हीलियम की, हीलियम का यूज सबसे ज्यादा है, सबसे पहली बात है इसकी जो केमिकल इनर्टनेस के कारण इसको यूज किया जाता है बैलून्स फिल करने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा हीलियम का यूज किया जाता है क्रायोजेनिक एजेंट की फॉर्म में, क्रायोजेनिक एजेंट मतलब ऐसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनमें गैसेज यूज आती है कूलिंग के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए, वहां पे हीलियम का यूज किया जाता है। उसके अलावा हीलियम का यूज किया जाता है डाइविंग अपेरेटस में, जो स्कूबा डाइविंग होती है तो स्कूबा डाइविंग के अपेरेटस में हीलियम का यूज ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, उसमें अपेरेटस में ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को यूज किया जाता है, और वहां पे हीलियम के यूज करने का सबसे मेन रीजन ये है कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ब्लड में बहुत ही ज्यादा कम होती है, अगर उसकी जगह नाइट्रोजन का यूज किया जाए तो पूरी बॉडी में बैंड बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हीलियम का और भी यूज होता है, और वो यूज होता है पावरफुल मैग्नेट्स बनाने के लिए, जो कि यूज आते हैं एनएमआर में और एमआरआई टेक्निक में। एनएमआर और एमआरआई टेक्निक क्या होती है, एनएमआर एक तरह की स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है जिससे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता किया जाता है, कि एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए वो पता किया जाता है एनएमआर से, और एमआरआई टेक्निक जो है वो ब्रेन की जो वेव पता करने के लिए यूज होती है, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन ऐसा कुछ कहा जाता है एमआरआई, ओके, इसका मेनली क्लिनिकल पर्पसेस में यूज होता है। उसके बाद बात आती है हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन का यूज किया जाता है डिस्प्ले बनाने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बल्ब्स बनाने के लिए, डिस्प्ले बनाने के लिए यूज किया जाता है, मेनली नियॉन कंटेनिंग जो डिस्प्ले होते हैं वो यूज आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के जो बोर्ड्स हैं वहां पे नियॉन कंटेनिंग डिस्प्लेस का यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है आर्गन की,
तो आर्गन का सबसे बेस्ट जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि आर्गन ऑलमोस्टली रिएक्टिव नहीं होती है, कभी रिएक्ट ही नहीं करती। तो जो हाई टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाया जाता है उसके लिए आर्गन गैस का यूज किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। और उसके अलावा आर्गन का सबसे बेस्ट यूज किया जाता है जो है अपने घरों के जो बल्ब आते हैं, पीले वाले बल्ब आते हैं, पुराने जो बल्ब आते हैं पीले वाले, उनमें आर्गन गैस का यूज किया जाता है ताकि उसके अंदर का एटमॉस्फेयर इनर्ट बना रहे और बल्ब खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद आर्गन के बाद बात आती है ज़ीनॉन की और क्रिप्टन। तो ज़ीनॉन और क्रिप्टन जो है इनका यूज किया जाता है स्पेसिफिक बल्ब बनाने में, हालांकि इनके ज्यादा यूजेस दी है, ज़ीनॉन और क्रिप्टन के ज्यादा यूजेस पता भी नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि हाँ कुछ स्पेसिफिक बल्ब्स हो गए या कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स के कारण इनको यूज किया जाता है। ओके, तो इसी के साथ अपना ये पी ब्लॉक का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर्स के साथ, कुछ नए फंडोस के साथ, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।